हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है GW600 जो बोस का है, 600 वाट का ये मशीन है। तो इसमें कंक्रीट वगैरह जो वायरिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें ये काम करते हैं, जो काटते हैं यहाँ पे पाइप बिठता है, तो इसकी वजह से ये मशीन इसमें लगता है। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो बेयरिंग है उसका टूट गया है, ये बहुत दिक्कत करता है और ये बहुत टूट जाता है उसका बेयरिंग। देखिए यहाँ पे, देखिए ये टूट गया है। तो इसको आज ये वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, सब कुछ ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, T20 स्क्रू ड्राइवर जो बोस का है, तो उसमें T20 स्क्रू ड्राइवर स्क्रू लगता है इसको खोलने के लिए। T20 आप यहाँ पे देखिए, T20 लिखा है, यहाँ पे देखा T20L, तो इसी स्क्रू ड्राइवर से आप उसको निकालोगे। या ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम चाहते हो स्क्रू खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये खोल रहा हूँ, तो अभी ये निकल गया है। ये देखिए ये गियर है, और गियर को सबसे पहले आपको चेक करना है गियर खराब है या नहीं है। यदि यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी सही है गियर, कोई इशू नहीं है इसमें। तो साउंड क्यों आ रहा था, तो ये देखिए ये इतना हिल रहा है, यहाँ पे मशीन चल रहा है देखिए। और मशीन में कोई भी आवाज़ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये बेयरिंग का ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हम उसका एबी वॉशर निकाल लेते हैं, तो दिक्कत है तो यहाँ पे ये बेयरिंग का है। तो इस बेयरिंग को मैं कैसे खोलूँगा, बहुत सारा वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ आपको इसको कैसे खोलना है। तो हाइड्रोलिक जैक आप उसको खोल सकते हो, तो आप यहाँ, अगर आपके पास कोई हाइड्रोलिक जैक नहीं है तो आप यहाँ से पीट के आप उसको खोल सकते हो। लेकिन दोस्तों आप अगर इसको पीट लोगे यहाँ पे ये डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है कभी कभी। ये बेयरिंग अगर सही है तो आप स्पिंडल को चेंज करोगे, ये तो गियर के वजह से ये बेयरिंग भी ख़राब होता है। लेकिन अभी इसमें बेयरिंग ख़राब है लेकिन गियर सही है, तो आप उसको चेंज करोगे तो पिट के भी चेंज खोल सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर यह डैमेज होता है, उसके बाद आप क्या करते हो उसको फाइल वगैरह बांध कर पेंट करते हो, लेकिन परफेक्टली नहीं होता है, उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा बेयरिंग टूटता है। बेयरिंग टूटने का कारण ये भी हो सकता है, ये खाने के बाद टाइल चलता है तो इसके वजह से भी बेयरिंग टूटता है, ये भी जरूर ध्यान दीजिए। और दूसरा कारण है ये स्पिंडल का अंदर वाला जो चीज़ है, और जो जहाँ पे बेयरिंग लगता है वो भी ख़राब होने में ज़्यादा बेयरिंग ये हिलता है, तो इसके वजह से बेयरिंग भी टूट जाता है। ये चेक की जरूर कीजिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम ये यहाँ से प्लस इसका स्पिंडल का जो मैं आगे दिखाऊँगा वहाँ पर भी होता है। बोल दोस्तों, अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, बेयरिंग को, ये बेयरिंग को चेंज करेंगे जिसका नंबर है 6201, यहाँ पर लगा है 6201 बेयरिंग लगता है दोस्तों। इसमें ओनली 4 बेयरिंग लगता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आर्मेचर के नीचे मैं उसको खोला नहीं हूं क्योंकि ये सही है इस पोजीशन, तो यहां पे नीचे जो आर्मेचर कम्यूटेटर के साथ जो कार्बन लगता है वहां पे 607 बेयरिंग लगता है, ऊपर 608 बेयरिंग लगता है, और यहां पे एक नीडल बेयरिंग लगता है जो मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ज़्यादा टूटता है, टूट जाता है ये। और यहां पे ये देखिए ये जो नीडल बेयरिंग है इसका बहुत ज़्यादा टूटता है, तो टूटने के बाद उसको भी खोल सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। और इसका नंबर है 0810, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका नंबर है 0810। उसके नीचे 608 वाला बेयरिंग लगता है, उसके नीचे 607 वाला बेयरिंग लगता है, और यहाँ पे 6201 का बेयरिंग लगता है। तो अभी हम उसको खोलेंगे, तो उसके वजह से हमको एक हाइड्रोलिक जैक की ज़रूरत है। मेरे पास एक मैनुअली जैक भी है, हाइड्रोलिक जैक है, लेकिन इससे मैनुअली जैक में भी खोल सकता हूँ, तो मैं खोल लेता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको पीट के खोल सकते हो, लेकिन ये दिक्कत होता है तो कोई इशू नहीं है, आप दिक्कत होता है तो इसके वजह से आप कोई लेथ वगैरह आपके पास जा सकते हो, उसको खोल के भी ला सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली पीट के लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा जरूर ध्यान दीजिए ये ख़राब हो जाता है। तो अभी दोस्तों ये है मेरा मैनुअली जैक, हाइड्रोलिक जैक भी है मेरे पास, लेकिन इसको यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, वो ऐसे आपको रखना है, उसके ऊपर हमको एक चीज़ रखना है, जैसे कि ये देखिए ये स्पिंडल, जो ये स्पिंडल होता है उसके स्पिंडल से ज़्यादा होल होना चाहिए, जैसे कि स्पिंडल अंदर जाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए, ये होल से स्पिंडल निकलना चाहिए, नहीं तो अब थोड़ा मोटा भी ज़्यादा चीज़ यूज़ करेगा लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रह जाता है। लेकिन सबसे पहले अब ये जो थोड़ा ज़्यादा बेस होना चाहिए, ये जो बेस है थोड़ा मोटा रहना चाहिए, जैसे कि देखिए ये पतला बेस है तो इसके वजह से ये नहीं अच्छा नहीं रहता है, ये मोटा बेस होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, रख के आपको नीचे से देखिए यहाँ से आपको प्रेस करना है, ऊपर उठ जाएगा, जैसे कि यहाँ से प्रेस करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मैं लगा लेता हूँ,
अभी दोस्तों देखिए थोड़ा साउंड हुआ, तो इसमें कोई डरने की चीज नहीं, ऐसे ही होता है। वो देखिए अभी दोस्तों हमको क्या करना है, ये बेयरिंग देखिए, ये बेयरिंग टूट गया था, उसकी वजह से ये निकल नहीं रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, उसको कैसे हम उसको निकालेंगे इसके भी आपको सोल्यूशन मैं आपको दूं। यहाँ पे देखिए ये टेढ़ा हो गया है, इसकी वजह से ये निकल नहीं रहा है। तो अब उसको कहीं पीटने वाले ने कोई पीटने की जरूरत नहीं है। तो अब ये आसानी से निकल जाएगा। उससे पूरा सिंपल आइडिया मैं आपको दूंगा, ऐसे ही आप खोल के हाइड्रोलिक बिना हाइड्रोलिक जैक से अब उसको निकाल सकते हो। अभी देखिए ये बेयरिंग टूटा था, तो इसके वजह से ये थोड़ा जब मैं प्रेशर दिया तो बेयरिंग की वजह से बेयरिंग को थोड़ा पुल करता है। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये बेयरिंग अभी टूट गया है, तो टूटा था लेकिन ज़्यादा टूट गया है, तो इसके वजह से थोड़ा बेंड हो गया है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको अभी दूंगा। तो इस टाइप का चीज़ की आपको जरूरत है, मैं जो पिछले वीडियो में इसमें पुराना स्क्रू निकाल के दिखाया था, तो ये सब आपको बनाने की बहुत ज़रूरत है, ये सब लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ से अंदर जो दोनों बॉल के नीचे अंदर रखेंगे, मेडी सेंटर में रखेंगे और पीटेंगे। यहाँ से दोस्तों देखिए बॉल को हम एक साइड में रख चुके हैं और यहाँ पे गैप हो गया है, तो इसके कारण आसानी से निकल जाएगा। देखिए पीट लूंगा तो ये निकल जाएगा, ये देखिए ये बॉल यहाँ पे निकल गया, ये सब बॉल निकल गया। तो इसके वजह से हमको इसमें आसान होगा इसको निकालने में। ये देखिए ये निकल गया। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास एक चीज़ है, जो ये जो स्पिंडल घुस सके, देखिए स्पिंडल घुस के आसानी से जा रहा है, तो इसके वजह से हम इस यहाँ पे प्रेस करेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है, हाइड्रोलिक जैक में उसको प्रेस करना है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए ये निकल चुका है और ये देखिए ये गियर निकल चुका है, तो आसानी से निकल गया है। तो इसके वजह से बेयरिंग को हमको तोड़ना पड़ा, तो तोड़ने के बाद ये निकल गया है। तो अभी आपको क्या करना है, इस बेयरिंग को जो कोन रहता है इसका आउटर इनर कोन, तो इसको भी हमको निकलना है। तो कैसे निकालोगे, तो इसके वजह से आपको इसको को निकालने के लिए आपको एक छोटा सा कूलर में भी काम चलेगा, तो इसमें आपको बड़ा सा कूलर की जरूरत होगा। ये आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये छोटा छोटा कूलर में निकल नहीं निकलता है, बहुत दिक्कत करेगा। तो इसलिए आपको ये कूलर खरीदना पड़ेगा। कूलर खरीदने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके खरीद सकते हो। अभी दोस्तों ये निकल गया है, तो हमको क्या करना है, इसका जो बेयरिंग रहता है उसको हमको खोलना है। तो यहाँ पे दोस्तों बेयरिंग को खोलने के लिए हमको इस तरह की प्लायर की जरूरत होगा। तो यहाँ पे शार्प क्लिप लगाया गया है, तो इसके लिए हमको एक यहाँ पे देखिए ये शार्प क्लिप है, और ये देखिए ये निकल रहा है। यहाँ पर बहुत ग्रीस जम चुका है, तो इसकी वजह से जाम हो गया है, तो इस पर क्लीन कर लेना है। वेला अभी दोस्तों इसको हमको निकालना है। वेल ये देखिए ये निकल गया है। अभी हमको इसको बेयरिंग अंदर वाला बेयरिंग को निकालना है। मिनिमम चार ठो आपको बॉल चाहिए। यहाँ पे देखिए चार ठो बॉल है मेरे पास, पांच ठो भी हम पांच बॉल लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस बॉल को रखूँगा, प्लस आपको ये कोन जो इसके अंदर था, कोन का जो इसके अंदर लगता था, तो इसको भी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बॉल को लगाना है। बॉल कैसे लगाएंगे, बॉल को लगाने के लिए आपको थोड़ा ग्रीस जरूरत होगा। ग्रीस उसका जो कोन रहता है आउटर कोन, उसमें ग्रीस दे दीजिए, भर दीजिए, इसे इतना ग्रीस आप दीजिए ताकि बॉल यहाँ पर रह जाइए। मतलब हम बॉल को यहाँ पे
रख लेंगे, ये देखिए रह गया। तो इसके वजह से हम उसके पास में और एक बॉल लेंगे और पूरा लगा के पास पास में हम बॉल लगाएंगे। वन साइड हमको ऐसे ही लगाना है, लगा के बॉल को मतलब उसको क्लोजली आपको लगाना है। देखिए ये 5 बॉल लग गया है, आप मिनिमम 4 बॉल यूज़ कर सकते हो। और अभी आपको क्या करना है, उसका कोन जो इनर कोन है उसको भी आपको ऐसे ही साइड से लगाना है। देखिए ये लग गया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसमें जितने भी बॉल है उसको चारों तरफ लाइन बाई लाइन आपको चारों तरफ पूरा कंट्रोल सही से परफेक्टली जैसे कि मैं यहाँ पे दिया हूँ चारों तरफ आपको लगाना है। और ये लग गया, देखिए ये वेयरिंग की जैसा हो गया है। अभी हम उसको खोल सकते हैं, कैसे खोलेंगे वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज लेना है जैसे कि आप यहाँ पे एक जा सके अंदर सही से बिठ सके। यहाँ पे देखिए बिठ गया है, तो यहाँ से बेयरिंग को मतलब बेयरिंग अगर जाएगा तो यहाँ से निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको रख लेंगे सेंटर में। तो अभी आपको क्या करना है, एक चीज की जरूरत होगा जैसे कि आप परफेक्टली यहाँ पे बिठ सके चारों तरफ। ये देखिए ये यहाँ पे बैठ रहा है, तो आप देखिए ये नहीं बैठ रहा है तो हम उल्टा लगाएंगे तो ये बैठ जाएगा। तो अभी आपको पीटना है, तो आप परफेक्टली नीचे पूरा यहाँ पे नीचे प्रेस करके उसको पीटना है। देखिए तो एक बार ये निकल जाएगा, ये पूरा आसान का तरीका आप उसको निकल रहा है, ये निकल गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसमें बेयरिंग लगाएंगे। यहाँ पे लगता है 1200 सबसे बड़ा बेयरिंग यहाँ पे लगता है, और उससे नीचे मैं आपको बताया हूँ 0810 का यहाँ पे बेयरिंग नीडल बेयरिंग लगता है। नीचे आपको 608 का बेयरिंग लगेगा, और उससे नीचे जो बेयरिंग का जो आर्मेचर का कम्यूटेटर का जहाँ पे कार्बन लगता है वहाँ पे आप 607 का बेयरिंग लगा सकते हो। अभी दोस्तों आज में इसमें 1200 का बेयरिंग लगाएंगे, तो इसको अच्छा क्वालिटी का ओरिजिनल बेयरिंग है ये SCS का। तो यहाँ पे हम बिठा लेंगे, ये देखें चला गया अंदर। तो कभी कभी ये टाइट होता है, कभी कभी ये पूरा स्मूथली चला जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये टाल हो रहा है, हिल रहा है, तो इसमें दिक्कत हो सकता है। अभी दोस्तों ये जा रहा है, सही से जा रहा है। तो हमको क्या करना है, अभी उसका साथ क्लिप, कभी कभी एक प्लास्टिक का भी आता है जो फिक्स रहता है बेयरिंग, वो ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि वो खराब होने के बाद उसको कम्प्लीट आपको चेंज करना है, तो वो 150-200 रुपये के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे आप उसको फिक्स एक बार कास्ट आयरन यूज कीजिए, दोबारा आप बेयरिंग को 50-60 रुपये का बेयरिंग आपको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम इसमें साइड क्लिप लगा लेंगे, जैसे हम खोल लेते उस वैसे ही हम लगाने हैं। यहाँ पे देखिए ये लग गया है। तो अभी हमको क्या करना है, इसमें पिंडी लगाना है, ये आसान है, गियर को लगाना है। यहाँ पे गियर लग गया, तो वैसे ही आपको साइड क्लिप जेब में उसको मैं लगा देता हूँ। यहाँ से इसको रखना है, चलिए हाइड्रोलिक जैक के पास। और यहाँ पे देखिए हम उस पर किसी भी तरह आप उसको प्रेस कर सकते हो, जैसे कि मैं नीचे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये अंदर फिक्स हो गया, अभी इतना करो भी थोड़ा जाएगा अपन, और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अभी हम उसको खोल लेंगे, और ये जो स्पिंडल रहता है थोड़ा बाहर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये बाहर निकला है, तो यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है, स्मूथली घूम रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी हम उसमें लगा लेंगे। तो लगाने से पहले थोड़ा ग्रीस जरूरी है, जरूर देना है। उससे पहले आपको चेक करना है ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली घूम रहा है, तो इसकी वजह से हम उसको फिटिंग कर लेंगे। अभी देखिए ग्रीसिंग करेंगे, और अभी दोस्तों उसमें स्क्रू लगा लेंगे। अभी ये कंप्लीट हो गया है। तो हमको अभी क्या करना है, मशीन को चला लेना है। अभी दोस्तों हमको मशीन को चला लेना है, ये देखिए कि मशीन पूरा सही से फिटिंग हुआ है, इसके वजह से कोई भी साउंड नहीं है। अभी हम इसको चला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा परफेक्टली फिटिंग हुआ है, इसके वजह से थोड़ा सा भी साउंड नहीं है। दोस्तों अगर आपके मशीन में साउंड आ रहा है, तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए
तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उसके ऊपर पूरा एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका मशीन में साउंड आ रहा है तो क्या क्या चीज़ आपको चेक करना है, क्या चेक नहीं करना, क्या प्रॉब्लम होने में साउंड आता है, तो इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी दोस्तों ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक यू। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।